नूरपुर के कस्बा जसूर में नूरपुर के डीएसपी द्वारा नई तकनीक से बिना हेलमेट पहने लोगों के चालान किए गए। साहिल अरोड़ा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नया प्रोसेस शुरू किया गया है। अब मोबाइल से ही चालान किए जाएंगे, जो कि पहले पेपर चालान होते थे। उन्होंने कहा कि अब चालान पेपरलेस होंगे और सारी डिटेल को लेकर मौके पर ही मोबाइल पर निपटा दिया जाएगा। अब ई चालान हो गया है, सब कुछ रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब बचना बहुत मुश्किल हो गया है। कार्यवाही सख्त से सख्त हो रही है। मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जितने भी रूल हैं उनकी पालना की जाए, पालना न करने पर चालान किया जाएगा। डीएसपी साहिल अरोड़ा ने बताया कि लोगों को बार बार जागरूक किया जा रहा है, समय समय पर रोड सेफ्टी क्लब की बैठक लेते रहते हैं। उन्होंने बताया कि यह नया प्रोसेस है जिसके तहत चालान किए जा रहे हैं। अगर बार बार कोई चालान होगा तो इनका जुर्माना बढ़ता रहेगा। देखिए, नमी एक प्रोसेस शुरू किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, जिसमें ई चलान जो कि आजकल किए जा रहे हैं, जो कि मोबाइल के थ्रू पहले पेपर चलान होते थे, पेपरलेस ई चलान किए जाते हैं। मौके पर ही उसकी सारी डिटेल लेके मौके पर ही उसको मोबाइल पर करता है। लोगों से कोई अपील है? लोगों से अपील है कि अब ई चलान हो गया, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, बचना बहुत मुश्किल हो गया है। कार्रवाई सबसे सख्त से सख्त हो रही है, तो कृपया जो मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जितने भी रूल हैं इनकी जो कि कठिन तरीके से पालना की जाए, पालना न करने पर जो कि चलाना शुरू। सर, बार बार जागरूक किया जा रहा है लोगों को, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, तो क्या कोई कठोर कदम उठाया जा रहा है? देखिए, इसमें बहुत तरह की पॉलिसीज करते हैं। एक तो हम समय समय पर अपने रोड सेफ्टी क्लब की मीटिंग लेते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, रोड्स में भी लोगों को जागरूक करते हैं, और दूसरा हमारा प्रोसेस होता है कि लोगों का जो भी वॉयलेटर है उनका चलान किया जाए, तो दोनों प्रोसेस एक साथ साथ चलते रहते हैं। ये हमारा एक नया प्रोसेस है जिसमें लोगों के चलान किए जा रहे हैं, और अगर बार बार कोई चलान इसमें हो जाएगा उनका फाइन जो है बढ़ता रहेगा, तो उम्मीद है कि इससे जो कि काफ़ी फर्क पड़ेगा। पीएल टीवी के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।